चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की समकालीन भारत सेकंड के नाम से जो आपकी बुक से, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें आपके दो चैप्टर खत्म कर चुका था, तीसरा चैप्टर देखना था, जल संसाधन देखना था हमें। ठीक है, इससे पहले याद रखिए आपकी जो भी सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी है एनसीईआरटी, वो सभी हम लोग कक्षा 6वीं से कक्षा 9 तक की सभी बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं। और कक्षा 10वीं की एक बुक्स लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड के नाम से जो आपकी बुक्स है वो भी कवर कर चुके हैं। और इन सभी की क्लास में आपकी एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसी में डली हुई है। पर याद रखिए, समय रहते हुए एनसीईआरटी को पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना पढ़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है, इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है आपके पास, तो पढ़ना तो है ही आपको, तो समय रहते हुए पढ़ लें। जल संसाधन, इसे देखिए पहले। पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या पिलाई मचाई, रास्ते में जो भी आए बर्बाद कर दिया और भा ले गई। पिंकी, हाँ चिंटू, मैंने देखा है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लग है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है? हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजों के लिए काफी जल का की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल का की आवश्यकता होती है? कारखाने भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुधारों के आसपास क्यों बसता था। अभी भी आपने देखा है कि व्यक्ति पानी जहाँ उपलब्ध होता है उसी के आसपास रहता है, जैसे उनकी खेती के लिए भी सुविधा हो जाती है। कोई भी उद्योग धंधे हो, बड़े उद्योग धंधे हैं, वे भी आप देखते हैं कि पानी की व्यवस्था है जहाँ उसी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक चौथाई यानी कि 71% धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य लवणीय है जल का अनुपात बहुत कम है। यानी कि कहने का मतलब है कि सीधा सा कि जो आप समुद्रों में देखते हैं ये लवण युक्त जल है, नमक युक्त जल है आपका, तो इसका उपयोग आप लोग नहीं कर सकते। तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे आलवण के रूप में है और हम उसी का प्रयोग करते हैं। यह आलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी है, कैसे है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की निर्यात नितांत कमी झेलेंगे। आप भी अपने तरफ देखिए, एक बुंदेलखंड, एक बघेलखंड, यहाँ भी आपको पानी की बहुत, कई क्षेत्रों में पानी की इतनी बुरी हालत मिलेगी देखने को, आपको भी पीने के लिए भी पानी के लिए तरसना पड़ता है, कई किलोमीटर दूर से लाया जा रहा है, समझ रहे हैं? तो पानी की स्थिति अपने देश में भी बहुत खतरनाक है, तरीके से प्रभावित है। जल दुर्बलता और दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है। जल के विशाल भंडार और उसके नवीकरण एवं गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या फिर सूखाग्रस्त इलाकों पर ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल जल से भरे मटके संतुलित करते हुए और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करते हुए पनिहारियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नताएं हैं, परंतु अधिकता जल की कमी, इसके अति शोषण और अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है। अभी भी मैंने कई क्षेत्रों में देखा है, आपके ही हमारे ही देश में, कि 1 से 2 2 किलोमीटर, 3 3 किलोमीटर दूर से पानी लाया जा रहा है पीने के लिए। आप समझ सकते हैं कि इतनी भयावह स्थिति होती है। और आपके पास पैसा है तो आप तो टैंकर से ले लेंगे, लेकिन उनकी सोचिए जो गरीब है, उनकी क्या स्थिति होती है? क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहरों इसके उदाहरण हैं।
अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास के द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। एक बात आप लोगों को बताता हूँ कि आपको लगता है कि पानी का क्या महत्व है, तो आप सोचिए एक बार फसल के बारे में कि जब वर्षा नहीं होती कई सालों तक तो हमारी स्थिति, जमीन की स्थिति क्या हो जाती है, फसलों की स्थिति क्या हो जाती है। याद रखिए हमारे यहाँ जो फसल है इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। अगर आप सोचिए कि मानसून अच्छा रहा तो हमारे यहाँ फसल हो जाएगी, अगर मानसून अच्छा ना रहा तो फसल बोई भी नहीं जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? और आपके मन में अगर आता है कि 71% जल है धरती पर, उसे उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है, तो आप एक दिन क्या करिए कि एक नमक डालकर गर्म या नमक डालकर पानी पीजिए, उसे प्यास नहीं बुझेगी आपकी और उपयोग करने लायक नहीं रहेगा वो। तो समझ सकते हैं कि पानी ये हालत में है। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, तो दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन ना होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी में समुद्र में बहकर चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। यही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव है और जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा नियंत्रित भी कर सकते हैं। एक बात आप लोग सामान्य सोचिए कि एक समय हुआ करता था, आज से 7-8 साल पहले ही आप लोग ले लीजिए, 8-10 साल पहले, कि कुओं में इतना पानी रहता था कि आप हाथ से निकाल सकते थे। समझ रहे हैं? बोरिंग में मतलब आपको थोड़ा ही अगर बोरिंग करवा ली आपने तो आपका काम चलता रहता था। लेकिन आप सोचिए कि पक्की सड़कें बन चुकी हैं तो इसलिए अब धरती में ही पानी नहीं जाएगा, तो धरती में जब पानी नहीं जाएगा तो धरती का पानी कहाँ से आएगा धरती में, और उसके पानी नहीं आएगा तो आप कितना भी गहरा कुआ करते जाइए, कुछ भी करते जाइए, जब धरती में पानी ही नहीं होगा तो कहाँ से आपको मिलेगा। एक बात आप लोगों ने देखी होगी, जहां आपके जैसे तालाब बने होते हैं बड़े बड़े, समझ रहे हैं, बड़े बड़े डैम बने होते हैं तालाब टाइप के, वहां देखिए वहां पानी की व्यवस्था ठीक रहती है, कुआं भरे हुए रहते हैं हमेशा, क्योंकि जो पानी तालाब में भरा रहता है उससे क्या होती है कि धरती में रिसकर पहुंच जाता है और वहां की जो भूमि की जो जल धारण शक्ति है वो बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि जब भी बरसात हो तो जो पानी हो उसे स्टोर करने की कोशिश किया करना चाहिए, फिर चाहे कुओं में हो गई या फिर गड्ढे खोद कर किया जाना चाहिए, जिससे हमारे धरती में जल क्षमता भी बढ़ेगी और क्या होगा कि वरना बह के सीधा नली नालों के द्वारा समुद्र में चला जाएगा। समझ गए? इस तरह से इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं आप लोग, ये भयावह स्थिति कई जगह आप लोगों ने अभी भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी आपको, ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको अभी भी देखने को मिलेगी। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपनी निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने कभी सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, यानी कि जो आपका उपयोग करने वाला जल है उस पर प्रभाव यानी कि दबाव पड़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% यानी कि 22% भाग जल से विद्युत प्राप्त होती है, जल से बनती है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है
अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों और या फिर कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके घर अंदर जलपूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है, इनकी कमी होती जा रही है। अब हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है, आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकताओं के लिए काफी जल संसाधन है परंतु फिर भी इस क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय भी बनता रहा है जा रहा है कि लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद, यानी कि जल होने के बावजूद भी वहाँ घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों, कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव के लिए उसका उपयोग करना खतरनाक है। आप सोचिए कि आपने खेत में कोई रासायनिक कीटनाशक प्रयोग किया है, अगर आपकी कुआ है उसमें या फिर कोई नदी है, कोई तालाब है, उसमें बहकर वो चला जाता है, तो आप सोचिए आपके लिए वो पानी है जो खतरनाक होगा, वो पशु पिएंगे अगर उस पानी को तो उनके लिए भी खतरनाक होगा। दूसरी तरफ आप ले सकते हैं कि जो अपशिष्ट रहता है औद्योगिक क्षेत्रों से निकलता है जो अपशिष्ट जल, उसका भी प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जल भी खतरनाक होता है। भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो रही गई हैं और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का एक भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में। एक समय सोचिए आप लोग कि आज भी आप लोग गंगा को अपना जीवन उद्धार मानते हैं कि गंगा में नहा लिया पाप धो गए। आज वो गंगा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमें बताइए इतना भी प्रदूषण फैल चुका है आप लोग। अगर स्थिति उसकी हकीकत आप लोग देखते हैं तो आपके नहाने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या है कि हमारी वो माता मानते हैं उन्हें, हम लोग एक शुद्ध मानते हैं, इसलिए नहाना हमारा मजबूरी हो जाती है एक तरह से आप कह सकते हैं। वरना उसकी अशुद्धता और उसके पानी के बारे में आप जान सकते हैं कि किस तरह से उसमें नालियां भटकी जा रही हैं, किस तरह से जो कानपुर का जो चमड़ा उद्योग था पूरा जल उसी में जाता था। 2014 के बाद से स्थिति बदली है क्योंकि आपने देखा है किस तरह से स्वच्छ करने के लिए एक आंदोलन टाइप का किया गया है उसमें। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं और खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका, उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें, हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नलिखित होने से बचाएं, जल संसाधनों के अति शोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। आप लोगों ने एक वो देखा होगा कार्टून बन के आता है कि एक बड़ी बोतल लिए हुए एक बच्चा, उसके बाद अगला बच्चा आपका छोटी सी बोतल लिए हुए, उसके बाद एक छोटा बच्चा बिल्कुल छोटी, उसके बाद बिल्कुल एक बूंद आ जाता है। यानी कि बताया जा रहा है कि आज हम लोग पानी देख रहे हैं कि बोतल में बिक रहा है, एक समय के बाद छोटी बोतल होती जाएगी, हमारी पीढ़ी आएगी उससे बाद वाली तो उसके पास एक बूंद जल भी के लिए वो तरसेगा। तो ये मतलब हमें जागरूक करने के लिए बात की जा रही है, लेकिन हम इतने जागरूक हैं कि आप देखते हैं क्या करते हैं कि नल को खुला छोड़ देंगे और जिस दिन टंकी में पानी ना आ रहा हो या फिर घर में पानी की कमी हो तो एक लोटा हम लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। तो हम अपनी स्थिति से मतलब इस तरह से हम बेवकूफों जैसे काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारी स्थिति भयानक होती जा रही है। हमसे स्थिति तो बेहतर उन पढ़े बिना पढ़े लिखे लोगों की थी कि वो कम से कम पेड़ों की रक्षा करते रहते थे और वो आपकी देखा होगा पहले सूखा नहीं पड़ती थी क्योंकि लोगों में जागरूकता थी और पानी के प्रति और पेड़ों के प्रति लगन भी थी। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए। प्राचीन भारत में जलीय कृतियां ईसा से एक शताब्दी पहले इलाहाबाद की नदी
श्री गंबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संक्षिप्त संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण बनाया गया था। याद रखिए, आप सोचिए कि हड़प्पा सभ्यता में भी इस तरह के कई साक्ष्य मिले हुए हैं। आप सोचिए नालियों के, बांधों के, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बेहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नोर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने की सबूत भी मिले हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है भोपाल झील, जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब भी बनवाया था। ये आप देख रहे हैं, ये हीरा कुंड है। क्या है? हीरा कुंड बांध। बांध आखिर होता क्या है, बांध क्या है, भी हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक होते हैं? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाते हैं, यानी कि एक से ज्यादा उद्देश्य, यानी कि बहुउद्देशीय, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भांगड़ा भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय करती है, यानी कि एक से ज्यादा उद्देश्य इनके हैं। आप अपने क्षेत्र में देखते हैं, उसे भी कभी देखा करिएगा कि आप देखते हैं कि वो सिंचाई का भी काम करता है, पीने के पानी की भी सुविधा वहां से हो जाती है। आपके यहाँ जो छोटे छोटे तालाब बने रहते हैं, कभी कभी उसमें आप लोग उसमें हमेशा देखते हैं आप लोग की क्या देखेंगे, आप लोग वहां देखेंगे कि कभी विद्युत उत्पन्न भी होने लगती है वहां से, और कभी सोलर प्लांट, सोलर जो प्लेटें होती हैं उस पर लगा दी जाती हैं। कभी आपने देखा है कि मछली पालन हमेशा होता है आपके यहाँ की जो तालाब होते हैं, तो उसके भी कई उद्देश्य हो सकते हैं। बांध बहते बहते जल को रोकने, दिशा देने या फिर बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय और झील अथवा जल फरण बनाते हैं। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या फिर अंदर से जल रुक रुक कर यह लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण इनकी संरचना, उद्देश्य या फिर ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध और पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में भी बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बड़े बांध और मुख्य बांध या फिर नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनके मतलब कई तरह से इन्हें बांट सकते हैं। इस तरह से आप देखते हैं आगे एक दीवार रहती है और इस तरह पानी भरा रहता है, ठीक है। यहाँ से कई नहरें भी निकाल दी जाती हैं। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने जो बांध थे इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी हुई थी। तो ये भी आपकी कई बार पूछ लेता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेता है और कई बार प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है कि आपका आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को किसने कहा था। तो याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ड्राव। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय अर्थव्यवस्था और समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं, और नदियों पर बांध बनाने, उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होती जाता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतुओं में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है, और बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं।
एकलांतर में अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध, नई नए पर्यावरण आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। आपने देखा होगा कि जब आपका नर्मदा पर बांध बनाया जा रहा था तो उसी के चक्कर में ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, टेहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण हुआ है। कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि कहीं बांध बनता है बड़ा, तो वहां जो व्यक्ति रह रहे होते हैं उन्हें हटाने का की बात की जा रही होती है, तो इसी से संबंधित आंदोलन चलाई गई थी। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव और नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को, या फिर उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गाँव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? आप सोचिए, जिनके पास भूमि नहीं होगी तो वो किस तरह से इनका लाभ उठा पाएंगे? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल ग्रहण और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसी गंभीर परिस्थितियां परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर, यानी कि आंदोलन करने पर उतारू हो चुके। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम हो गए। कई राज्यों में आप देखते रहते हैं कि उनमें आपका विवाद चला रहता है। क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई थी? इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि उद्योगों पर विपरीत असर पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? की आप सोचिए कि यहाँ आपका राज्य है, यहाँ दूसरा राज्य है, यहाँ से कोई नदी आ रही है, उसे यहाँ रोककर बांध बना लिया जाए तो आपके यहाँ जो किसान रहेंगे वो प्रभावित होंगे, क्योंकि पानी का पूरा हिस्सा आपकी तरफ नहीं आ पाएगा और आप इससे प्रभावित होंगे, तो आप इसका विरोध करेंगे। इसी कारण से ये आपके आंदोलन होते रहते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबद्ध करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधा दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी, विस्थापन का शोक स्वीकार किया यह विश्वास कर कि सिंचाई के प्रसार से भी मालावाल हो जाएंगे। फरार रिहंद उत्तर जीवियों में हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है तो पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, यानी कि गरीब लोगों के लिए को इस देश की कुर्बानी के लिए क्यों चुना गया। और बाकी आप देखते हैं कि जो मालामाल होते जा रहे हैं एक समूह, और जो कुर्बानी देता है वो बहुत बुरी तरह से स्थिति उनकी रहती। एक तरह से आप देख सकते हैं कि देश में हमारे में कोई भी आपदा है लेकिन कुर्बानी किसकी लगती है? गरीब जनता की, असहाय, जो एक तबका बहुत गरीब है उन्हीं का। आप कभी भी देख लीजिए कोई महामारी आ रही तब भी वही प्रभावित होंगे, कई परियोजनाएं बन रही तो तब भी वही लोग प्रभावित होंगे। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब बहुत बुरी स्थिति रहती है इनकी। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें चार राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 9,490 गांव
173 कस्बों, राजस्थान में 124 गांव के सूखा ग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। याद रखिए आपकी चार राज्यों को लाभ देती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, याद रखना इनको। यहाँ ऊपर आपके पॉइंट है, इसे भी पढ़ लेना। हमने अषाढ़ में फसल बोई है, हम भाद्रा में भादो लाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी, ओए दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कार्य कुछ कम करो, भादो एक साल बाद आएगा, अपनी सतह पर ना चलने दो। यह लोकप्रिय भादो गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया गया, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है। बिहार में आपने देखा है कोसी नदी को भी शोक की नदी कहा जाता है, यानी कि ये भी तबाही बहुत मचाती है बाढ़ के कारण, बिहार का शोक। यहाँ आप लोग देखिए, भारत मुख्य नदियां एवं बांध आपको दिख रहे होंगे, ये आपकी सिंधु नदी हो गई, सलाल प्रोजेक्ट वहां, ब्यास नदी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये आपका यहाँ भांगड़ा, नांगलबांध, टेहरी, यही यहाँ आपका गंगा, ये आपका देख रहे हैं आप लोग, गांधी सागर हो गया, यही राणा प्रताप सागर हो गया, कोटा बैराज, ये आपका चंबल नदी पर, सरदार सरोवर अभी जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, फेवारा, कोयना, ये आपका तुंगभद्रा नदी, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, रेहंद, तिलैया। देखिए आपकी सांगपो नदी कहा जाता है चीन में से, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ आपकी बांग्लादेश में दोनों मिल जाती हैं, यहाँ अपना डेल्टा बनाते हैं, गंगा नदी भी इसी तरफ, और जो ताप्ती है और आपकी नर्मदा नदी है, ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये एस्टुरी बनाती है आपकी, ठीक है, याद रखिए, बेतवा नदी, ये सभी आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं, बेतवा नदी हो गया, सोन नदी, चंबल नदी, यमुना नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, ठीक है। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखिए, पीछे भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। आगे बात करते हैं, नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है, या एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई है। इन बाढ़ों से न केवल जान माल का नुकसान हुआ है अपितु बेहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ है। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है वो बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या भी बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है, और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। एक तो याद रखिए कि हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है बहुत बुरी तरह से देश को खोखला कर देता है। आप सोचिए कि नदियों को साफ करने के लिए, फिर चाहे सागरों की साफ करने के लिए, या फिर जो आपके यहाँ तालाब हैं, बांध हैं, उन्हें साफ करने के लिए अलग से समितियां बनी होती हैं, अलग से मतलब काम होता है कि इनका साफ करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए इनके लिए। लेकिन आप देखते हैं कि देखभाल किस तरह से की जाती है वो आप ही जानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मतलब हम लोग देख सकते हैं, मैंने देखा है कि मेरे यहाँ एक तालाब हुआ, उसकी हर साल जब बरसात का टाइम रहता है तो उसके लिए 50,000 कभी पैसा आता है, कभी 30-40,000 रुपया कि वहाँ सफाई हो जाए। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जिसके पास पैसा आता है वो रख के दबा देता है, और अगर नहर हो उसकी अगर साफ भी करवाना पड़ता है तो वहाँ के जो गरीब किसान है, यानी कि जो किसान है, वही पैसा जोड़कर उसे साफ करवाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि उनसे साफ कोई भी करवाता हो, लेकिन जो पैसा उसके लिए आता है पर्टिकुलर, उसे उपयोग में नहीं लाया जाता है, वो कोई जो अध्यक्ष होता है वही खा जाता है वहां का। तो ये भी हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। यही गंगा नदी का हाल हुआ है। कहते हैं कि गंगा के लिए इतना पैसा आया कि एक दूसरी गंगा निकल जाती, उसकी जगह दूसरी गंगा निकालती तो वो निकल जाती, लेकिन इतना पैसा समाहित होने के बाद
भी हमारी गंगा साफ नहीं हुई है, यही यमुना का आप हाल ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकारी तंत्र है, जो हमारा देश का भ्रष्टाचार तंत्र है, बहुत मजबूत है। मैंने अभी कल ही परसों आपका अन्ना साहब की बायोग्राफी कवर की हुई है, उनके बारे में पढ़िए। मैं तो बोल रहा हूँ कि उनके कदमों पर अगर अपने बच्चों को चलने के लिए कह सकते हो चलिए। देखिए, अगर हम लोग सोचेंगे कि हमारे बच्चे क्या मुसीबत में भी दें, तो आप सोचिए कि अगर यही आपके स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा होता, कोई 12-13 साल की उम्र में शहीद हो गया, कोई 25 साल की उम्र में, तो सोचिए आज हम लोग गुलाम बने होते। तो आगे तो किसी ना किसी को आना होगा, समझ रहे हैं आप लोग। अब आपको लोकपाल दिला दिया है अन्ना साहब ने, सूचना का अधिकार दिलाया हुआ है, अब आपको प्रयोग करना चाहिए उसका। मैं तो कहता हूँ सूचना का अगर प्रयोग आप करते हैं तो आप ईंट से ईंट कह लीजिए, फिर चाहे पत्थर से पत्थर बजा सकते हैं, फिर चाहे सरपंच विधायक हो, फिर चाहे मंत्री हो कोई। मैं तो कहता हूँ हर जो भी काम हो रहा है आपकी पंचायत में, कोई भी करवा रहा है, मांगिए उसका ब्यौरा कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ से आया है पैसा, क्या कितना खर्च कर रहे हैं। पसीना आ जाएगा काम करवाने वाले को, लेकिन हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, कौन पूछे, हमें कोई मार देगा। तो वैसे भी तो मरे हुए हैं, कितने साल, 200 साल के लोग बिना आवाज उठाए, क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह के देखो, किसी को ना किसी को तो आगे आना होगा, और किसी ना किसी को तो बलिदान देना होगा, तभी हमारा देश सुधर सकता है। वरना आप सोचिए कि आज भी गरीबी का नारा जोरों शोरों से है, 70 साल हो गए देश को आजाद होते हुए। वहां चाइना को देखिए कि आप महाशक्ति बनने की कतार में हो खड़ा हुआ है, अमेरिका को भी बुरी तरह से प्रभावित किए हुए है, और आज हमारी देखिए अर्थव्यवस्था की क्या हालत हो चुकी है। हम लोग बराबरी करने चले हैं चाइना से, लेकिन हम लोग वहां की जो बराबरी जिस तरह से हो सकती है उस तरह से बराबरी नहीं हो सकती। मैं बार बार बोलता आया हूं कि धर्म के नाम पर वोट देने वाले, फिर चाहे जाति, कभी हमारे देश को आगे नहीं बढ़ा सकती। आप सोचें कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इस पर वोट राजनीति चलती रहे तो यहीं तक सीमित रह जाएंगे। अगर देश को आगे ले जाना है तो राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे का मतलब ये होता है कि अन्य देशों में वहां के जो नागरिक होते हैं वो अर्थव्यवस्था को देखकर वोट देते हैं कि किसके हाथों में सुरक्षित है अर्थव्यवस्था, और हमारे यहाँ के देखते हैं कि कौन खड़ा हुआ है, हमारी जाति का खड़ा हुआ है या नहीं। मुझे अन्ना का एक फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उनसे पूछा गया कि देखिए अब बहुत पुराने, मतलब बुढ़ापा हो चुका है उनका, उन्हें बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा उस क्षेत्र का, तो उनसे कहा गया है कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं? तो बोले मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, समझ रहे, बोले कि यहाँ के जैसे 500 रुपये मिलते हैं, 1000 रुपये वोट मिलते हैं, जैसे ही नोट देखता है उसी की तरह भाग देता है। बोले यहाँ का जो वोटर है वो जागरूक है ही नहीं, उसे केवल अपना मतलब दिखता है और पैसा दिखता है, उसी का फायदा वो नेता उठाते हैं। आप सोचिए, आप ही सोचिए कि एक सरपंच अगर 25 लाख रुपये खर्च करता है तो वो काम क्या करेगा, आपको लगता है काम करेगा? पहले तो वो 50 लाख उसमें से निकालेगा, उसके बाद कुछ अगर मिलता है तो देगा। अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हुए कहीं, मैंने सुना था, उस गांव को मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है उस गांव को, तो वहां के सरपंच साहब ने 25 से 30 लाख रुपए खर्च किए। बाद में कोई जनता गई उसके पास काम करवाने के लिए कि सरपंच साहब आप जीत गए हैं, कुछ काम करवा दीजिए, तो उसने भयंकर तरीके से गाली का शब्द का यूज करते हुए उसने कहा कि हमने तुम्हारे टमाटर के भाव और बैगन के भाव आपके वोट खरीदे थे, आपके काम के लिए नहीं, आपका उद्धार करने के लिए नहीं खरीदे थे, तो मोह सुखा के चली आए वापसी वोटर। अगर आप सोचिए कि आप पैसा ना देते हैं और फिर भी वोट देते हैं किसी को, तो आपका हक रहता है कि उससे पूछे हिसाब, लेकिन अगर आप अपना जमीर मैद देते हैं तो आप कहां से सोचिए, आप ही सोचिए कि 1000 रुपये में आप अपना जमीर मैद देते हैं तो कैसे आपकी औकात है कि हिसाब पूछिए किसी से। चलिए खैर, छोड़िए इन बातों को, आते रहेंगे मरते रहेंगे, कोई फर्क नहीं है कि जी किस लिए रहे हैं, मर किस लिए रहे हैं। वर्षा जल संग्रहण, यानी कि वर्षा जो होती है उसके जल की संग्रहण की बात की जाएगी। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं परियोजनाओं के आलापप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तत्व इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारित विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे में भी पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में
गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थिति की और परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकताएं, वर्षा जल, भूमिजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय हिमालय जैसी वाहिकाएं, नदी की धाराएं, धारा का रास्ता बदल खेतों में सिंचाई के लिए बनाई थी। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित होने के करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और आधुनिक क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित बल को एकत्रित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जुहड़ इसके उदाहरण भी हैं। आप सोचिए कि आप अपने छत पर एक टंकी बना लेते हैं और वर्षा होती है, उसमें टंकी में पानी जमा हो जाता है, वो किसी के लिए तो उपयोग आएगा पानी, आप ही सोचिए। चलिए कुछ के लिए नहीं आएगा, पीने के लिए नहीं आएगा मान लीजिए, लेकिन गाड़ी धोने के लिए तो आएगा, बाथरूम के लिए तो आएगा, समझ रहे हैं, कपड़े धोने के लिए तो उपयोग में आएगा, लेकिन हम नहीं करते। हमें क्या लेना देना है, हम तो मुंह सुखा के यही बोल देते हैं। किसी अभी दोस्त ने बोला कि कोई बता रहा था मुझे कि नल खुला हुआ था एक रेलवे स्टेशन पर और कोई बंद करने के लिए गया तो मतलब टपक रहा था, उसने जिस तरह से बंद किया हुआ अपने व्यवस्था करके, तो वहां लोग हंस रहे थे, तमाशा देख रहे थे कि मतलब इसे कितनी पड़ी हुई है। तो देखिए, देश कभी इस तरह से ना तो आगे जा पाया है और ना ही जा पाएगा, जिस तरह से हमारी तमाशा देखते हैं ना, ये कभी नहीं देश को आगे ले जा पाए। 70 साल से हम लोग थाली भी बजा रहे हैं, ताली ताली बजा बजा के हम लोग तमाशा देख रहे हैं। अगर आप देखते हैं किसी के साथ कुछ दुर्घटना होती है, किसी के साथ गलत होता है, तो आप हंस के ताली बजा देते हैं, क्या लेना देना है। और जब खुद के परिवार पर बीतती है तो हमें मालूम चलता है कि आखिर ऐसा भी दुख होता है। तो जागरूक तो होना पड़ेगा, वरना हम आज गरीबी में जी रहे हैं, कल आने वाले दिनों में भी गरीबी में रहेंगे। और एक समय आएगा कि आज आप लोग गांधी जी को और नेहरू जी को गाली देते रहते हो, मैं इतना कह सकता हूँ कि आज मैं हूँ कल नहीं रहूंगा, लेकिन एक समय आएगा कि हमारे ऊपर, हमारी जो पीढ़ी आएगी, हम सबके ऊपर थूकेगी, क्या करेगी, थूकेगी, और जितनी गाली बुरी से बुरी हो सकती है यूज करेगी, उपयोग करेगी, क्योंकि लोग जो हम लोग काम कर रहे हैं इसे कभी माफ नहीं किया जाएगा, ना तो भगवान ऊपर वाला माफ करेगा और ना ही आने वाली हमारी पीढ़ी माफ करेगी। कहा जाएगा एक समय कि देश पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था, 70 साल से देश पिट रहा था, घिस रहा था, और हमारे यहाँ की जनता पैसों में बिक रही थी, हमारा यहाँ के नेता देश को लूट रहे थे। अमेरिका की बराबरी करना है तो अमेरिका जैसा सोच रखनी होगी आपको, समझ में आया। कहा जाता है कि वहां गरीब वो है जिनके पास कार नहीं है घूमने के लिए, और हमारे यहाँ का गरीब वो है जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो जमीन आसमान का फर्क है हम दोनों में, तो या तो अपनी औकात दबा कर रखिए और चुपचाप बैठिए, और या तो फिर बराबरी करनी है चाइना, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन की, तो आपको वैसा काम करना होगा, ठीक है। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने के पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टंका हुआ करते थे। इसके आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकते। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा यानी कि टैंक की तरफ टंका या सुव्यवस्थित छत पर जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न अभिन्न हिस्सा होता था, जिसे मुख्य घर या फिर आंगन में बनाया जाता था। बेघरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टंका तक पहुंच जाता था। इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था। उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। आप लोग सोचिए, इस तरह से आपने छत पर एक टंकी बना दी है, या फिर आपने छत की नीचे यहाँ टंकी बना दीजिए, वहां आप देखेंगे कि इस तरह पाइप से इसे पानी लाया जा सकता है। इसे बाद में यूज करते रहिए आप लोग, समझ रहे हैं। आप लोग बीकानेर पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण।
पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जा सकता है। रेत और ईंट के प्रयोग कर जल का छनन किया जा सकता है, यानी कि जो उसमें खराब चीजें हैं वो बैठ सकती हैं, अलग हो सकती हैं। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है और जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुआ का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। पहले आप क्या हुआ करता था कि इस तरह की परियोजनाएं नहीं होती थी, वर्षा होती थी तो पानी भरा रहता था, वो धरती में सोखता रहता था और हमारी जो धरती की भूमि जल पुनर्भरण हो जाता था भूमि का, समझ रहे हैं? अब आपने देखा है पक्की सड़क बन चुकी है, रोड भी बन चुके हैं, तो पानी कहाँ से धरती में जाएगा? पक्की सड़क को खोद कर तो चला नहीं जाएगा, तो आप समझ सकते हैं पहले गड्ढे हुआ करते थे, उसमें पानी भर गया, कुछ टाइम बाद आप देखते थे कि वो सूख गया है, यानी कि धरती में नीचे चला गया है। तो इस तरह से हुआ करता था। एक कुल से बर्तुल बर्तुल ग्रामीण तालाब बनता, काजा गांव के चित्र के अनुसार, जिसमें जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हो। आप समझते हैं इस तरह की छोटे छोटे आपके यहाँ भी ड्रम ड्रम बनाए जाए दिए जाते हैं तालाब टाइप के, जो बाद में पशुओं के लिए भी पानी के लिए प्रयोग होता है और आप सिंचाई के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? और आपने देखा है कपड़े धोने के लिए भी इसका प्रयोग होता रहता है। टांका में जल वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु के तक संग्रहित किया जा सकता है, या ऐसे जल की कमी वाली ग्रीस में ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने या फिर वाला जल स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा ही इसे इन क्षेत्रों में पुकाया जाता है पुकारा जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टंकाओं के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी की ऋतु में गर्मी से राहत भी मिलती है। एक बात आपको याद होना चाहिए कि वर्षा का जो जल होता है सबसे शुद्ध जल होता है। क्या होता है? सबसे शुद्ध जल होता है। ये कई बार आपका इंटरव्यू में भी पूछ लिया गया है और कई बार आपका वन डे एग्जाम में भी पूछ लिया गया है क्वेश्चंस। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मौसिनराम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। सभी यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करते हैं। शहर के लगभग हर छत में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। आप सोचें वर्षा हो जाए और आपके यहाँ जल की उपलब्धता बनी रहे, ये संभव नहीं है। याद रखिए वर्षा होगी और नली नालों के द्वारा नदी के द्वारा ये महासागरों में चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि चेरापूंजी और मौसिनराम ऐसी जगह है जो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये दोनों आपकी मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में। फिर भी वहां आप देखते हैं कि पानी की समस्या से जूझते रहते हैं लोग। तो आप सोचिए कि वर्षा हो, इसे रोकना होगा जल को, तभी आपके यहाँ की जल की स्थिति सुधर सकती है। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टंकी की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें जल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गाँव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है। इस गांव में इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहां प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचे के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप चित्र 3.4 देख सकते हैं। इस गांव में हर वर्ष लगभग आपका 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है, यानी कि खासी वर्षा होती है, और 10 भराई के साथ यह संग्रहण क्षमता 80% है। यहाँ जल हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल संग्रह और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग आपका 1 लाख कितना 1 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। याद रखिए आप अगर मेंस में आप लिखते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो एक तरह के उदाहरण डाल दिया करिए गांव के, ठीक है? तो क्या होता है कि आपका प्रभावकारी आंसर हो जाता है। छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि कच्चों घरों की सॉरी घरों की ढालू छतों पर गिरता
उसी पाइप द्वारा भूमिगत टंका के यानी कि टैंकों के अंदर ले जाए। भूमि में गोल छिद्र जो मुख घर अथवा आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छिद्र दिखाया गया जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टंका में चला जाता है। इस तरह से बात की जा रही है, ठीक है। बाष्प ड्रिप सिंचाई परियोजना, सिंचाई प्रणाली। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई वाली पानी वाली बांस पाइप आ जाता है। उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह से देख रहे हैं आप लोग, पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। सोचिए, आप लोग सोचिए कि आज हमारे पास पाइप की सुविधा हो गई है। एक समय हुआ करता था कि इस तरह के पाइपों की सुविधा नहीं होती थी, तो हम लोग इसी का प्रयोग करते थे। चित्र आप देख रहे हैं ना, ये दोनों बांस से निर्मित चैनल से सीधे से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई गई विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है और पाइपों में जल प्रवाह इसकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। चित्र चार को देख रहे हैं, यदि पाइपों को सड़क पर ले जाया जा पार ले जाना होता है तो उसमें भूमि पर ऊंचाई से ले जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब, आपको अगर सड़क पार कराना है किसी पाइप को, तो सड़क से ऊपर आप लोग देखते हैं ना, जिस तरह से केबल डाल देते हैं ऊपर, आप लोग नीचे से आपके वाहन निकलते रहते हैं, तो उसी तरह प्रयोग करते थे। चित्र 5 और 6 को देख रहे हैं आप लोग, ये है आपके संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रस्तुत की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। इस तरह से तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की सुविधा आप सोचिए कि बुंदेलखंड में, बघेलखंड में भी कर दिया जाए तो काफी हद तक समस्याओं पर श्री निदान पा सकते हैं। लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता की कमी होती है, और हम बड़े आलसी लोग हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं इस तरह की सुविधाएं, समझ रहे हैं, और उन्हीं का परिणाम भुगत रहे हैं हम लोग। इसी अध्याय से संबंधित आपके क्वेश्चन हैं, इन्हें भी आप लोग देखते रहिए, और PDF जो भी आपकी सिविल सर्विस के लिए, उन सभी को मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आप पूछते रहते हैं कौन सी बुक्स पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, तो आपके लिए जो जरूरी है वही डाली गई है वहां, ठीक है। तो ये आपका था तीसरा चैप्टर, जल संसाधन। आगे हम लोग बात करेंगे चौथे चैप्टर में, कृषि के बारे में जानेंगे।